पंजाब चुनाव के दौरान हुई नेताओं की बयानबाजी पर पंजाब पुलिस अब कार्रवाई की तैयारी कर रही है। देश के जाने माने कवि और पूर्व नेता कुमार विश्वास के घर पंजाब पुलिस की एक टुकड़ी पहुंची, जिसने कुछ जरूरी कागजातों पर दस्तखत करवाए और लौट गई। बताया जा रहा है कि पंजाब के रोपड़ जिले के रूपनगर थाना पुलिस की एक टीम कुमार विश्वास के गाजियाबाद स्थित घर पहुंची थी। सूत्रों की माने तो पंजाब पुलिस ने कुमार विश्वास की टिप्पणी को लेकर केस दर्ज किया है। कवि कुमार विश्वास ने पंजाब सीएम भगवंत मान को टैग करते हुए एक ट्वीट किया। ट्वीट में पंजाब पुलिस की तीन तस्वीरें डालते हुए लिखा कि सुबह सुबह पंजाब पुलिस द्वार पर पधारी है। एक समय मेरे द्वारा ही पार्टी में शामिल कराए गए भगवंत मान को आगाह कर रहा हूँ कि तुम दिल्ली में बैठे जिस आदमी को पंजाब के लोगों की दी हुई ताकत से खेलने दे रहे हो, वो एक दिन तुम्हें व पंजाब को धोखा देगा। देश मेरी चेतावनी याद रखे। दरअसल पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान कुमार विश्वास ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए थे। कुमार विश्वास ने दावा किया था कि अरविंद केजरीवाल ने उनसे कहा था कि एक दिन या तो पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे या एक स्वतंत्र राष्ट्र यानी खालिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बनेंगे। कुमार विश्वास के इस बयान के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने भी एक सभा के दौरान कुमार विश्वास के बयान का जिक्र करते हुए केजरीवाल पर निशाना साधा था। पीएम ने कहा था, अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के पास भारत को तोड़ने और सत्ता में आने के लिए अलगाववादियों से हाथ मिलाने के लिए एजेंडा तैयार किया है। वहीं केजरीवाल ने कुमार के आरोपों को जवाब देते हुए कहा था, सारे भ्रष्टाचारी आम आदमी पार्टी को हराने और भगवंत को सीएम बनने से रोकने के लिए इकट्ठे हो गए हैं। कुमार विश्वास पर तंज कसते हुए केजरीवाल ने कहा था कि एक कवि ने एक दिन अचानक कविता सुनाई, फिर पीएम का उस पर ध्यान गया, मुझे आतंकवादी कह दिया। केजरीवाल ने आगे कहा कि क्या विश्वास की बात करने वाला आतंकवादी देखा है? अगर मैं आतंकवादी हूं तो शायद दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी होऊंगा, जो विश्वास की बात करता है, आम आदमी की बात करता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।